You're a superhero. तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग पे डीजे स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर ऐप की। सो अगर आपको काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करना है ये वाला, सो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये वाला काइन मास्टर जो है मतलब जो सबसे नया वर्सन है वो नहीं है, ये थोड़ा ओल्ड वर्सन है, फिर भी इसमें आपका काम चल जाएगा। आप बिल्कुल भी आसानी से वीडियो को बना सकते हो, इसमें आप सबको यूज कर सकते हो। ओके, जो मैं अपनी वीडियो में यूज करूँगा। सो ये काइन मास्टर डाउनलोड करने के लिए आप या तो मटेरियल्स वाले लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। ओके, अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस सबसे पहले आपको काइन मास्टर में आना है, फिर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का साइज सेलेक्ट करना है, और नीचे आना है फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फोटो ड्यूरेशन ऑप्शन को अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, बाद में हम करेंगे बट अभी नहीं। सो इतना करने के बाद पहले आपको यहाँ पे 6 फोटो को सिलेक्ट कर लेना। ओके, अपना कोई भी 6 फोटो को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ओके गाइस, सो मैं अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे 6 फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको फोटो सिलेक्ट करने के बाद डन करना है। अब डन करने के बाद फिर आपको शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको ये वाला जो सॉन्ग वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। सो पहले इसको ऐड करना है, फिर इसका नीचे में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्ट्रैक ऑडियो करके, सिंपली आपको स्ट्रैक ऑडियो पर क्लिक करना है और इसका स्ट्रैक ऑडियो निकाल लेना है। ओके, फिर इस वीडियो को आपको डिलीट कर देना है यहाँ से। ओके, सो गाइस जैसे आप इस वीडियो को डिलीट कर दोगे उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। तो ट्रिम कहाँ कहाँ पे करना है वो मैं 6 इमेज को बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको ट्रिम करना है। सो पहला इमेज जो हमारा रहेगा वो रहेगा 4.240 सेकंड तक, जो यहाँ पे आपको बीट दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो 4.240 सेकंड के आसपास ट्रिम कर लेना। और जो फिर अगला आप ट्रिम करोगे वो करना आप 8 सेकेंड पर। ओके, सो 8 सेकेंड पर जाना है और आपको ट्रिम कर लेना है, 8.10-20 सेकेंड ऐसा रहने देना, उससे आगे मत लेके जाना। यहाँ पे बीट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ट्रिम कर लेना। फिर आपको आगे जाना है 9.950 सेकेंड के आसपास, वहाँ पे ट्रिम कर लेना है। ओके, सो फिर आपको आगे जाना है 13.770 सेकेंड, मतलब 13.700 सेकेंड पे करोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 13.770 सेकेंड या 60 सेकेंड कर देना तो अच्छा रहेगा। सो फिर आपको आगे जाना है 17.500 सेकेंड पे, वहाँ पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम कर लेना है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको सही समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ट्रिम करना है, फिर आपको जो अगला इमेज ट्रिम करना है वो करना है 18.220 सेकेंड। यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको बीट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको ट्रिम कर लेना है। अब इतना कर लेने के बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। सो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, एडिटिंग पे क्लिक करना है, और ये फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन है इसको आपको 1 सेकेंड रखना है, 1 सेकेंड। फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको और फोटो को सिलेक्ट कर लेना अपना। सो गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपका जो है ना पूरा टोटल 18 इमेज लगने वाला है, तो आपने पहले 6 सिलेक्ट किया है तो अब 12 फोटो को सिलेक्ट कर लेना आप, और 12 इमेज को। ओके, सो मैं और 12 फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। सो गाइस मैंने यहाँ पे 12 फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, बट मेरा जो एक इमेज है वो बाहर चला गया है, मतलब कि क्या ही बताएं इसका। सो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा इमेज का लेंथ घटा घटा के आपको इस बीट पे मैच कर देना है। गाइस यहाँ पे देखो जैसे आप मतलब इमेज का लेंथ घटाओगे तो यहाँ पे आपको बीट दिखाई देगा इमेज का इन में, तो वही बीट पे बस आपको मैच कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा छेड़छाड़ मतलब ज़्यादा ट्रिम मत करना, थोड़ा सा ये देखो गाइस जितना मैं कर रहा हूँ ना, बस मैं थोड़ा सा घटा घटा के बीट पे मैच कर रहा हूँ, बस वही आपको करना है। जहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ पे बढ़ाना, जहाँ पे घट रहा है वहाँ पे घटाना। ओके, सो बट लेकिन बीट पे आपको मैच कराना है। ओके, इस प्रकार से आपको ट्रिम कर देना है। अब गाइस देखो मेरा जो 12 इमेज था ना वो एडजस्ट हो चुका है। ओके, सो आपको इस प्रकार से 12 इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, फिर आपको डन करना है। सो गाइस इतना कर लेने के बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना है बीट सिंस ऐप से। सो पहला है कॉल मी डीजे, दूसरा है 16। अगर आपको बीट सिंस ऐप से मतलब क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ओके गाइस,
सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्लिप का भी किस प्रकार से एड करना है। सो पहले जब हमने 6 फोटो को सिलेक्ट किया था, उसमें आपको 6 इमेज में कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपने मेरा प्रीव्यू वीडियो में देखा होगा। सो आपको इस प्रकार से 6 इमेज में आपको 2 नंबर वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिस प्रकार से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको इस प्रकार से 6 इमेज में सिलेक्ट करना है 2 नंबर वाला। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है, ये 6 इमेज में आपको कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 5 इमेज में सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा 5वां इमेज है। उसके बाद मैं लास्ट इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि यहाँ पे है। 6वां इमेज जो रहेगा इसका लेंथ बहुत कम है, तो इसमें भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इतना सिलेक्ट करने के बाद फिर जो अगला इमेज रहेगा इसमें आपको देखो किस प्रकार से क्लिप ग्राफिक्स सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे देखो 18 सेकंड से जो हमारा इमेज स्टार्ट हो रहा है, 18.4 सेकंड से, यहाँ पे आपको करना क्या है, जो वो 6 इमेज को छोड़ के इधर जो हमारा इमेज रहेगा इसमें पहला इमेज में आपको 16 से 10 नंबर वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक इमेज जो अगला रहेगा उसको छोड़ देना है, फिर एक इमेज छोड़ छोड़ के आपको 16 से 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट करते जाना है। ओके, सो गाइस देखो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से करना है। फिर एक इमेज को स्किप करना, छोड़ देना है, फिर दूसरा इमेज में जो अगला इमेज रहेगा इसमें आपको 16 से 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो गाइस इसी प्रकार से आपको एक इमेज को छोड़ छोड़ के एक में आपको इस प्रकार से 16 से 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को पूरा एंड तक जितना भी इमेज रहेगा सभी में आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैंने आपको क्या बताया। ओके, सो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। ये देखो गाइस मैंने इसमें भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस इतना सिलेक्ट कर लेना आपको, उसके बाद जो भी इमेज आप छोड़ोगे उसमें आपको फिर से क्लिप ग्राफिक्स सिलेक्ट करना है। इधर जो मैंने जो भी इमेज को छोड़ दिया था उसमें आपको कॉल मी डीजे से सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करना है कॉल मी डी एस एस जो 6 नंबर वाला है, 6 नंबर वाला जो सबसे लास्ट में, उसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी इमेज हमने छोड़ा था एक एक इमेज छोड़ छोड़ के, अब यहाँ से फिर इसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉल मी डी एस एस 6 नंबर वाला सभी इमेज में। ओके, लास्ट तक जितना भी इमेज रहेगा सभी में आपको इस क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो मैंने आपको क्या बताया है। तो आपको इस प्रकार से 1 बाय 1 करके सभी इमेज में सिलेक्ट कर लेना है कॉल मी डी एस एस 6 नंबर वाला, जो जो इमेज को मैंने छोड़ दिया था उसमें। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो गाइस। बस हमारा यही एडिटिंग है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको देखो करना क्या है, पहले मैं इस क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने क्लिप ग्राफिक्स को पूरा वीडियो में सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको शुरू में आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और स्लाइड फिर वीडियो को एडिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सिंपली आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर एडिट कर लेना। ओके, सो गाइस सबसे पहले आपको इस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इसको। ओके, फिर इसका साथ इस प्रकार से साइज बढ़ा के इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन करना है। ओके, स्क्रीन करने के बाद इसमें अगर कोई ऑडियो होगा उसको जरूर से म्यूट कर देना आप। अब इतना कर लेने के बाद आपका जो वीडियो बन के तैयार हो जाएगी, आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो को जिस प्रकार बना है। सो वीडियो तो पूरा परफेक्ट ही बनेगा। सो गाइस फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।